नमस्कार मरम छात्र छात्री मोर यूट्यूब चेनेल एडुकेटाम तुम लोग स्वागत जानसो आज भिडिओटित आम क्लास सिक्सर हिंदी पल्लव भगवानर जी एगार नम्बर लेसन आज पाठ ग्यारह कविता नाम से प्रकृति का सन्देश यू लिखि से श्री सोहनलाल द्विवेदी कवित जीखि प्रश्न उत्तर आसने सम्पूर्णको आलोचना करम आशा करूँ भिडिओटे तुम लोग उपकृत कर अहाँ भिडिओटी आरम्भ करूँ तुम लोग एक दुई तीन तुम लोग खाली ठाई पूर कर दी तुम लोग कितने पाई जा नेक्स्ट तुम लोग लगभग चार नम्बर प्रश्न पर लगे प्रश्न तो आज कवित बुझे गई से कवित कि क्या और उत्तर दीबले कैसे प्रथम प्रश्न तो आज ऊंचाई को चुने का सन्देश कौन देता है उच्चता माने ऊख बस्तु चुब लगे कने कह ऊंचाई को चुने का सन्देश कौन देता है पर्वत कहता शीस उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ कविता पाईसा तुम लोग पर्वते कहे शीर उठाई मूर उठाई तुम लोग ऊख हो जा तो ऊंचाई को चुने का सन्देश कौन देता है ऊख बस्तु चुब लुने माने बातरी कने दिए जो आम सदा माने यूर ये बुझा से जो आम सदा मूर उठाई माने मूर उठाई थक लगे माने एने काम के लगे जी काम द्वारा आम किलगा है बेलेगर ऊर मूर दुआबलिया है तो ऊंचाई को चुने का सन्देश कौन देता है ऊंचाई को चुने का सन्देश पर्वत देता है। नेक्स्ट प्रश्न मन में गंभीरता लाने का सन्देश कौन देता है मन गंभीरता अनार आन लगे कने कह मन में गंभीरता लाने का सन्देश सागर देता है मन गंभीरता आन कने कह सगरे कह सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ सगरे कह कि कह जो मन तुम लोग गंभीरता आना मन में गंभीरता लाने का सन्देश कौन देता है मन में गंभीरता लाने का सन्देश सागर देता है। मोर आगर भिडिओ जी कवित आज प्रकृति का सन्देश तर सम्पूर्ण दी थोड़ा जद तुम लोग भल्ड बुझी पा ना तेल भिडिओ चाय लिया और मैं डेसक्रिप्शन लिंक तो दीम तक गयो तुम लोग भिडिओ चाह पारा तो प्रश्न तो आज मन में गंभीरता लाने का सन्देश कौन देता है मन में गंभीरता लाने का सन्देश सागर देता है। तार पिसर चार नम्बर लास्टर तो प्रश्न ग नम्बर प्रश्न धीरज रखने का सन्देश कौन देती है धैर्य धरवे कने कह आंसर तो हम धीरज रखने का सन्देश पृथ्वी देती है धैर्य धरवे कने कह पृथ्वी कह लाइन तो आसे तुम लोग न नम्बर लाइन आज पृथ्वी कहती धैर्य न चोरो कितना ही हो सिर पर भार पृथ्वी कहे के धैर्य नेहरवा मन बहुत बेसि मूर बहुत बेसि बोझा थकिले के धैर्य हेरवा नाले माने कि कैसे के तुम लोग बयस बुझे गोले ये इनके बुझ लगे धरा परीक्षा आई से पढ़ा हुआ ना तार पास परीक्षा बेसिदिन ना कि तुम लोग अधर्य हो गई परीक्षा कि हेरी कान्दिशा क्या कर नाले तक तुम लोग आरम्भिर भल्के पढ़ी जाता कम तुम लोग अधर्य हमलिया ना तो प्रश्न तो आज धीरज रखने का सन्देश कौन देती है धीरज रखने का सन्देश पृथ्वी देती है। नेक्स्ट पाँच नम्बर प्रश्न तो चुना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तलत दिया प्रश्न समूह उत्तर दिया प्रकृति का सन्देश कविता के कवि कौन है प्रकृति का सन्देश नाम जी कविता है तर कवि कौन यार आन्सार तो एक बार इम्पर्टेन्ट प्रश्न है परीक्षा तुम लोग देखा जिको परीक्षा ना परीक्षा हम यू प्रश्न आब प्रकृति का सन्देश कविता के कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी कविजन नाम से श्री सोहनलाल द्विवेदी मन में रखा इम्पर्टेन्ट प्रश्न जी परीक्षा नाक फार्ष्ट यूनिट हमको फार्ष्ट यूनिट नागे यू चेप्टार सेकेंड यूनिट हक छमहिया हमको बसरकिया हमको जी परीक्षा नौक एट परीक्षा हम तुम लोग प्रश्न उत्तर देखा प्रकृतिका सन्देश कविता के कवि कौन है प्रकृतिका सन्देश कविता तो कवि कौन प्रकृतिका सन्देश कविता के कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी एक कविता प्रकृतिका सन्देश कविता कविगढ़ नाम से सोहनलाल द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न तरंग हमें क्या सन्देश देती है तरंग माने ढौ सगर ढोर कथा कैसे सगर ढोए आम कि बतरा दिए तरंग हमें आशा रखने की सन्देश देती है इतने तुम लोग पासा यू एट लाइन आज समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग माने से कोमल आशा तरंग हमें क्या सन्देश देती है तरंग हमें आशा रखने की सन्देश देती है। नेक्स्ट प्रश्न तो चुना
पाठ के आधार पर प्रकृति के सार उपादानों के नाम लिखो। पाठर आधार प्रकृति चारिता उपादानों नाम लिख दी कि लिखा पर्वत सागर पृथ्वी आकाश पर्वत सागर पृथ्वी आकाश पर्वत सागर पृथ्वी और आकाश पाठ के आधार पर प्रकृति के सार उपादानों के नाम लिखो पर्वत सागर पृथ्वी आकाश। नेक्स्ट प्रश्न तो चुना आकाश हमें क्या संदेश देती है आकाशे आमक की संदेश की बतरा दिए आकाश हमें सारा संसार ढक लेने का संदेश देता है आकाशे आमक गोटे पृथ्वी ढाकि लोर बतरा दिए किल आसे लाइन तो नव कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार नव माने हुसे आकाश आकाशे आमक की बतरा दिए आकाशे आमक गोटे पृथ्वी ढाकि लबले निजर माने गोटे पृथ्वी निजर कर लदेश दिए माने बतरा दिए आकाश हमें सारा संसार ढक लेने का संदेश देता है। तार पिछर प्रश्न तो चुना सात नम्बर प्रश्न पढ़ो समझो और लिखो यू तुम लोग लिंग परिवर्तन कर दी पुंगलिंग स्त्रीलिंग निब दी प्रथम तो आज बालक बालक तो हल बालिका तार पिछर तो हल गायक गायक तो गायिका तार पिछर तो पाठक पाठक तो पाठिका तार पिछर तो नायक नायक तो हल नायिका तार पिछर तो बाघ बाघ तो हल बाघिन तार पिछत माली माली तो हब मालिन तार पिछत तेली तेली तो हब तेलिन तार पिछत धोबी धोबी तो हब धोबिन बालक बालिका गायक गायिका पाठक पाठिका नायक नायिका एक माने हर्सई कार्डल और आकारडल लगे दिले हल तार पिछत बाघ तो हब बाघिन बाघ खत हर्सई कार्ड न लगा लगिल माली जी आज माली तो जैसे स्त्रिंग स्त्रीलिंग करम तैयार मा लद हर्सईकार हम और पिछत न माली तो स्त्रीलिंग कर मालिन हम लद हर्सईकार दीर्घईकार लिखिले तो फूल हम यू लद हर्सईकार दी लगे तेली तो जैसे करम तेली तो लिंग परिवर्तन कर तेलिन हम लद दीर्घईकार न लद हर्सईकार हम लास्टर तो आज धोबी धोबी तो थद हर्सईकार बद हर्सईकार हम तार पिछत नी धोबिन तो आज भिडिओ जद तुम लोग भिडिओ चाय भल पासा तैयार लाइक करा क्या नुबुझा थकिल कमेन्ट करा और तुम लोग बंधु बान्धवी भिडिओ शेयर करा जो सको भिडिओ पाए और मोर चेनेल सबसक्राइब कर नपहरबा धन्यवाद।